बिल्कुल, यहाँ पे टीम इंडिया को चेयर अप करने आए और मुझे पता है कि आप भी वही करोगे, होपफुली अच्छा अच्छा रिजल्ट आ जाए। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि शुभमन गिल खेले, अगर शुभमन गिल आएंगे तो हमें मिस के ऊपर वेलकम चिपका देंगे, पर हम चाहते हैं कि आज का मैच खेले और मैं कोहली की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो हम चाहते हैं काफी हाई स्कोरिंग मैच हो और हमारे सारे बैट्समैन बहुत सारे रन बनाए और हम आज का मैच जीते। नहीं, पक्का हम ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, हम जीतेंगे और पक्का जीतेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। हाँ, एक फेस्टिवल है और मुझे लगता है बहुत लोग सिर्फ इंडिया से नहीं, मेरे को लगता है आउटसाइड इंडिया से भी इस मैच को देखने आएंगे और मुझे लगता है कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारने वाला है। And I'd like to wear my USA cricket shirt to show some support for next year's World Cup for T20. Yeah, मैं अमेरिका से आया हूँ, अटलांटा जॉर्जिया से आया हूँ मैं। ये मेरा, मैं 30 साल से वर्ल्ड कप अटेंड करता हूँ, ये मेरा 10वें मैच है वर्ल्ड कप में, ये इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया जितनी चाहिए, ये होम फील्ड है, देखते हैं 130,000 लोग आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है आज। This is the last Sunday for India Australia Chepok, and this is the game I've been looking forward to because it's India Pakistan. I can't get bigger than this, and I'm expecting a Kohli masterclass as well. Here, my friend, so looking forward to it. India for sure, but there's a lot of pressure because Pakistan's coming after a long time. So looking forward to it. Really excited and nervous. More than 1 lakh people in the stadium. Yeah, I can't wait for the national anthem to sing with 100,000 people. So really looking forward to it. बहुत ही excited हैं. Definitely, आप जानते ही हैं कि India-Pak सबसे बड़ी greatest rivalry होती है, और इस match के लिए मुझे लगता है कि इंडिया में लास्ट 10 इयर्स या आने वाले 5-10 सालों के लिए सबसे बड़ा मैच यही है। बड़ी मुश्किल से टिकट मिला, मैं भोपाल से ट्रैवल करके पुणे आया हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अहमदाबाद के ग्राउंड का जहाँ तक मैंने देखा हुआ है पिछले कुछ मैचेस में, मुझे लगता है जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो इस मैच में कहीं ना कहीं एक एडवांटेज लेगी टॉस के साथ। जस्ट टू वॉच इंडिया पाकिस्तान इन अहमदाबाद इन फ्रंट ऑफ 1,30,000 ऑडियंस, दैट्स अ ड्रीम एवरीबडी वॉन्ट्स टू वॉच फॉर, लाइक यू वेट फॉर दीज इंस्टेंसेस। And it's not easy for us to come. We paid a lot for the flight tickets. We paid a lot for the hotel rooms. We're spending this much just to watch India Pakistan. I don't think anything can come close to this. This is the dream we have been waiting for a very long time.